नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। बेगूसराय में शराबबंदी के बीच ट्रेन से लगातार शराब की तस्करी की जा रही है। ऐसे में रेल पुलिस भी लगातार विभिन्न ट्रेनों में छापेमारी कर शराब को बरामद कर रही है। वहीं बरौनी जीआरपी ने बरौनी प्लेटफॉर्म संख्या 7 पर खड़ी ट्रेन से लावारिस अवस्था में रखे बैग से 20 बोतल शराब को बरामद किए हैं। वहीं बरौनी जीआरपी की दूसरी कार्रवाई में प्लेटफॉर्म संख्या 2 और 3 पर जा रही एक महिला यात्री को बैग के साथ गिरफ्तार भी किया गया। हाँ बोलिए। नालंदा में हरनौत थाना क्षेत्र के महेशपुर और लोहरा के बीच सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस दुर्घटना में आधे दर्जन से अधिक लोग जख्मी हो गए। मृतकों की पहचान थाना क्षेत्र के लोहरा गांव और नियामतपुर गांव निवासी के रूप में की गई। वहीं घटना के बारे में बताया गया कि करीब 15 की संख्या में टेम्पो पर सवार होकर हरनौत बाजार से सभी लोग अपने गंतव्य की ओर निकले थे, तभी महेशपुर और लोहरा के बीच में एक कार वाले ने ओवरटेक कर लिया, जिसे बचाने के क्रम में टेम्पो पलट गई और पीछे से आ रहे ट्रक ने 2 लोगों को मौके पर ही दिया और करीब आधे दर्जन लोग इस घटना में जख्मी हो गए। वहीं घटना के बाद आक्रोशित स्थानीय लोगों ने मुआवजा और कार्रवाई की मांग को लेकर सड़क को जाम कर हंगामा किया। और अब बात करेंगे अरवल की। अपनी आज़ादी की विरासत को महफूज रखने और नए भारत के निर्माण के वास्ते अरवल में जन अभियान चलाया जाएगा, जहां 1857 के महानायक बाबू जीवधर सिंह सहित आज़ादी के गुमनाम हस्तियों क्रांतिकारियों को याद किया जाएगा। अगस्त 2023 तक चलता रहेगा और हम लोग अरवल और जहानाबाद के पूरे इतिहास को अपने जनमानस के सामने लाएंगे और अपने लोगों को उससे अवगत कराएंगे। इसके लिए इतिहास जागरण यात्रा निकाली जाएगी। गांव-गांव में हम लोग जाएंगे, हाई स्कूलों में जा करके बच्चों को अपने इतिहास के बारे में हम जोड़ेंगे। हमें जानते हैं कि पूरे दुनिया में जो विकसित देश हैं वहाँ अपने क्षेत्रीय इतिहास को, भूगोल को पढ़ाया जाता है। दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ इसकी पढ़ाई नहीं है। हम अपने बच्चों को जा करके अपने क्षेत्र के इतिहास, अपने राज्य का इतिहास, अपने जिला का इतिहास बताएंगे और इस गौरवशाली अतीत के साथ उनको जोड़ करके और हम अपने को सम्मानित करेंगे, अपने अपने शहीदों को सम्मानित करेंगे। लोगों का 1857 के लड़ाई में जीवधर बाबू का बहुत बड़ा योगदान रहा है। यहाँ के योद्धा रहे हैं और उन्होंने शहादत दी है। बाबू कुंवर सिंह के साथ एक अपना भूमिका निभाने वाले मगध क्षेत्र में उन्हीं के नेतृत्व में एक बड़ा लड़ाई शुरू हुआ था और उन्होंने शहादत दी थी। तो 22 जनवरी को बाबू जीवधर सिंह को याद करते हुए 1857 के और बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ बेलाओं से लेकर और जगहों पर जो आंदोलन हुआ है उस लड़ाई में शहादत दिए हैं, तो उनको याद करते हुए एक सेमिनार किया जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।